अरविंद जी आप बीच में आ जाइए थोड़ा सा। हाँ हाँ ये अभी देख रहे हैं। दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और इस पिक्चर का प्यार अब इसके है। इसके प्रोड्यूसर अरविंद जी और म्यूजिक डायरेक्टर अफरोज जी। आगे पूछो जी, तो किस तरह से मूवी बनने वाली है? ये म्यूजिकल फिल्म है, लव स्टोरी और कॉमेडी, और आउटडोर शूट करेंगे, गोवा है, यूपी में करेंगे और बॉम्बे में। और बहुत अच्छा म्यूजिक है, अफरोज जी ने बहुत अच्छा म्यूजिक है, अभी आज रिकॉर्डिंग हो रहा है। और फिल्म के कलाकार के बारे में जानना चाहेंगे? कलाकार चयन किए जा रहे, फाइनल चल रहे हैं, अरविंद जी कर रहे हैं मैन, और कास्टिंग चालू है, फाइनलाइज होएगी। आप लोगों को सबको बुलाया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, हर दिन आप लोगों को पार्टी दी जाएगी। सर जैसे कि अफरोज जी कल हम लोग मिले और उन्होंने गाना है, तो कई गाने ऐसे थे जो गंगा किनारे इलाहाबाद में शूट करने की प्लानिंग बताए थे, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि अफरोज जी ने और बहुत अच्छे गुणी, जिसको वो कहा जाता है कि कंप्लीट म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स सेंस है, एवरीथिंग सब बहुत अच्छा है। और इसके बाद एक और फिल्म है, वो बात करने जा रहे हैं हम लोग, इसको पहले कंप्लीट किया जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा। आप लोग जी बहुत मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं और पुराने हैं। आजकल के म्यूजिक डायरेक्टरों को तो पता ही नहीं रहता है डबिंग में क्या किया जाता है, क्या अंदर से किया करवाया जाता है। अफरोज जी को तो छोड़ दीजिए, मेरी जरूरत भी नहीं है स्टूडियो में। ये मतलब लगता है मतलब कि अगर अफरोज जी का म्यूजिक दमदार है तो फिल्म को लाभ मिलेगा। उनका म्यूजिक सुपरहिट है, वो तो रिलीज के बाद पता चलेगा पब्लिक ना पसंद करेगी, मगर हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, अफरोज जी मेहनत कर रहे हैं, और जो म्यूजिक ट्रैक है, ट्रैक की बात ये है कि मेरे लिए डायरेक्टरों के साथ में किए हैं, इस्माइल दरबार के साथ में किया है, दर्शकों के लिए फिल्म लव स्टोरी है, फन है। और जो आजकल ट्रैक चल रहा है नया, कि वो पुरानी चीज़ें छोड़ दो, नई चीज़ों का आज स्टोरी लाइन पकड़ी हुई है, उसी स्टोरी को इसमें कुछ ऐसा मैसेज नहीं देना है हमको, हमको इंटरटेनमेंट देना है, हमको इंटरटेनमेंट करना है, हमको ऐतिहासिक फिल्म नहीं बना रहे हम लोग लव स्टोरी बना रहे हैं। नॉर्मल लड़की की कहानी है, एक नॉर्मल मीडियम क्लास के बंदे की कहानी है, और नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल मीडियम जो एक लव स्टोरी होती है उसमें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, कैसे कैसे मूवमेंट होता है, और कौन कौन सी जगह क्या क्या लोकेशंस पे जाते हैं, क्या क्या कष्ट होता है, वो अब उसी में म्यूजिक चलता है, म्यूजिक के हिसाब से लव स्टोरी चलती है, और म्यूजिक लव स्टोरी के हिसाब से चलती है, दोनों एक दूसरे को कंबाइन करके पिक्चर मूवमेंट करेगा। इलाहाबाद का संगम है, फिलहाल तो यही सोचा जा रहा है, अभी बनने के बाद में पता चलेगा कि दोनों हम, मैं और अफरोज भाई कैसे एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, इलाहाबाद का बन रहा है या मुंबई महाराष्ट्र का समुंदर बन रहा है, वो तो बाद की बात है, कि फिलहाल तो अभी दोनों की कोशिश ये है, दोनों अच्छा कर रहे हैं, मैं भी कोशिश करूंगा जितना बेटर हो जाए। अफरोज जी हैं, अरविंद जी हैं, अरविंद दुबे जी प्रोड्यूस कर रहे हैं दुबे फिल्म से, और मेरा सौभाग्य है कि दोनों के साथ में काम करके बहुत अच्छी आगे प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। सर बात करें, आज संगीत में रिकॉर्डिंग हो रहा है और कौन कौन सिंगर आज गाने वाले हैं, किस तरह से म्यूजिक बना हुआ? सबसे पहले तो आप सभी चैनल के जितने भी हमारे रिपोर्टर हैं उनको आज मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज के मुबारक मौके पे जो ये फिल्म का संगीत से जो मुहूर्त हो रहा है,
ये दुबे फिल्म्स के माध्यम से हो रहा है लता मंगेशकर जी के स्टूडियो में। और जो आज हमारे सिंगर्स हैं वो बहुत ही आक्रामक मास्टर ब्लास्टर अल्तमश फरीदी, जो अभी उनकी हाल ही के दिनों में बहुत सारे गाने हिट हुए और मेरे साथ वो रेगुलर काम कर रहे हैं। अल्तमश फरीदी जी का आज गाना रिकॉर्ड होगा। और जैसे कि हमारे चौहान साहब जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, ये मेरा सौभाग्य है उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं अरविंद दुबे जी, बहुत ही अच्छे इंसान हैं सबसे पहले, और उन्होंने उनके अंदर भी एक जुनून मैंने देखा कि कुछ करना है और अच्छा करना है। तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि प्यार अजब इश्क है। मुझे लगता है कि हमारे अरविंद दुबे जी का जो इश्क है अपने टेक्नीशियनों के प्रति, जो लगाव है, वो ज़रूर उनको कामयाबी की बुलंदियों पे ले जाएगा। सर, इसमें कुल कितने गाने हैं और कौन कौन सिंगर गाने वाले हैं? अच्छा, गाने वाले सिंगर इसमें जो है, इनफैक्ट जो अभी डिसाइडेड हैं, बाकी और भी फाइनलाइज होंगे। इनफैक्ट विनोद राठौर जी गा रहे हैं, साधना सरगम जी गा रही है, मोहम्मद सलामत जी गा रहे हैं, सना जी गा रही है, उसके बाद प्रियंका सिंह जी का आइटम सॉन्ग है, और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनका भी नाम प्रपोज हुआ है। ऑडियंस क्या कहेंगे सर म्यूजिक को लेकर? नहीं, ऑडियंस को मैं यही कहूँगा कि इस फिल्म, ये टोटल म्यूजिकल है और एक अच्छी फिल्म है यूथ के लिए, और ऑडियंस इस फिल्म को देखेगी तो कुछ नया मिलेगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का जो संगीत है, जो आज मैं कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, हमारे कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर चंद पैसों के वजह से बहुत ज़्यादा हमारे जो हिंदुस्तानी संगीत है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, फॉरेन कल्चर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो हम इनसे भी यही चाहेंगे कि कम से कम जो हमारा 80s, 90s और 95 तक जो गाने बजे हैं उनको लाने की कोशिश करें और जो हमारा कल्चर है उसको अपनाएं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जी, हाँ थोड़ा सा, हाँ इसके बाद आपको बात करें। शिष्य है भैया, ये सब हमारे शिष्य हैं। इंट्रोड्यूस आप करवा दीजिए। मैं चाहूँगा कि हमारे ये प्रोड्यूसर अरविंद दुबे जी और फिल्म में एज एक्टर भी आ रहे हैं, इनकी तरफ से सभी चैनल वालों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि मेरे भाई भी दो लफ्ज बोले इस फिल्म के बारे में, म्यूजिक के बारे में, डायरेक्शन के बारे में और अपने किरदार के बारे में। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगा, पहले यही कहूँगा सारे भारतवासियों की नौबत ढेर सारी शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की हार्दिक सारी बधाई। और जो म्यूजिक की बात है तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आई लव द ग्रेट अफरोज खान जी, जिन्होंने मुझे बहुत सारा कॉपरेट किया है 2006 से लेकर आज तक। मेरी 3 फिल्म किए हैं, 2 फिल्म ऑलरेडी हो चुकी है और 3री फिल्म है ये प्यार अजब इश्क है, और टाइटल सॉन्ग इन्होंने बनाया है, टाइटल भी इन्होंने दिया है। और मेरे लिए ये खुदा है, भगवान है, अगर हौसले बुलंद हो तांधियों में चिराग जलते हैं। मेरे भाई ने आज तक संपूर्ण कॉपरेट किया है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ओके, थैंक यू, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू आप लोगों को। मैं भाई हूँ आपका और हमेशा भाई बन के रहूँगा, और आई लव यू टू वेरी मच, और गॉड इज वन ओनली। हम लोग इंसान हैं और आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ ऑलवेज। अमरोज जी, आप साथ एक और नजर का एकदम हीरो टाइप लग रहे हैं, कौन है? हाँ, मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये महेंद्र पाठक हैं और इस फिल्म से ये डेब्यू कर रहे हैं एज ए सिंगर, पॉपुलरिटी ले रहे हैं और ये मुझे अपना गुरु मानते हैं। बाकी अक्सर क्या होता है, जब सिंगर बड़ा स्टार हो जाता है तो बोलते हैं नहीं नहीं आई डोंट लाइक दिस। वो तो मैंने पहला ब्रेक उनके साथ लिया था। क्या बोलते हैं महेंद्र, कैसा है तुम्हारा गाना, मैंने कैसा बनाया बताओ? सर ने म्यूजिक बहुत अच्छा कंपोज किया है कैमरे के साथ, और इस म्यूजिक में बहुत ही स्पिरिचुअलिटी डाली गई है, और इस गाने को लिखा भी मैंने ही है, लेकिन सर ने अपने सुर से मेरे को सजाने का जो आमंत्रण दिया और मेरे ऊपर कृपा किया है इन्होंने, मैं इनका लाख लाख शुक्रगुजार हूँ, और आशा करता हूँ कि इनकी दुआ रहेगी तो मैं अच्छा करूँगा। कितने गाने आप लिखे थे इसमें? इसमें मैंने एक गाना लिखा है और मैं उसको रिकॉर्ड किया। दो लाइन सुनाएंगे? जी बिल्कुल, सुनाओ सर। प्रेमी की जय जय, प्रेमिका की जय जय, प्रेमी की जय जय, प्रेमिका की जय जय, प्रेम भरी प्यारी बातों की जय जय, लैला की जय जय, मजनू की जय जय, जानू तेरे गोरे गालों की जय जय।
प्रेमी की जय जय, प्रेमिका की जय जय, प्रेम भरी प्यारी बातों की जय जय। बस इसको आपने कंपोज कैसे किया? इन्होंने तो एकदम पूरा अपने अंदाज में कहा है जी, आपके अंदाज में किस तरह से पब्लिक सुन पाएगी? हमारे अंदाज में तो वो है अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, इन्होंने थोड़ा रूप अलग दिया है, बट ये इज नॉट ए प्योर कॉम्पोजिशन, ये अपने हिसाब से गाया। बट सुनेंगे आप लोग जल्दी, मैं सुनाऊंगा आपको, क्योंकि आज तो अल्तमश जी का गाना रिकॉर्ड हो रहा है, तो भी मैं इसको नहीं छोड़ सकता। ओके, इंशाल्लाह जिंदगी।